हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पॉलिसी इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव ली है। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कोई आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, लाइसेंसिंग से एग्जेम्प्ट कर दिया है। 100% FDI गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसी तरह यदि आप फूड प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हो या ई कॉमर्स पर लगे हो तो अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट 100% FDI परमिटेड है। इसके अलावा GST रेट कम कर दी है इन्होंने फूड प्रोडक्ट पर, रॉ एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट पे GST रेट कम कर दी है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हॉलीडे दिए है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो नई लगती है उनको कुछ सालों तक टैक्स नहीं देना है, या इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको डिडक्शन मिलेगी इनकम टैक्स एक्ट में। इसके अलावा देखिए, RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। तो RBI की जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो ये है कि कमर्शियल बैंक को अपना जो टोटल लोन है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। इसी तरह कोल्ड चेन और फूड पार्क है तो इनको इन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर में डाला हुआ है, तो इससे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग जो है EGA टर्म पर मिल जाएगी। नाबार्ड में 2000 करोड़ का स्पेशल फंड बनाया हुआ है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। और इसके अलावा 3 स्कीम है, एक तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके अंदर 8 स्कीम आती है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये 3 स्कीम और है। तो अब हम डिटेल में सबसे पहले देखेंगे PM किसान संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में टोटल 8 स्कीम आती हैं, अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। 8 स्कीम आती है तो ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिससे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो ये जो स्कीम है इसमें जनरली क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। यानी देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, तो आपको क्या है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज आपको कैपिटल सब्सिडी देती है। तो क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या होता है, जैसे आपने 1 करोड़ की मशीनरी लगाई और गवर्नमेंट उस पर सपोज 20% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, तो आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने, क्योंकि ये क्रेडिट लिंक्ड है। आप लोन लेने जाओगे 1 करोड़ का बैंक के पास, बैंक आपकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भेजेगा और सपोज आपको 20% की कैपिटल सब्सिडी है, तो जैसे ही मिनिस्ट्री से अप्रूव हुआ बैंक आपको 1 करोड़ सेंक्शन कर देगा, बैंक को 20 लाख रुपये गवर्नमेंट से मिल जाएंगे। तो कैपिटल सब्सिडी मिलती है इसमें जितनी भी स्कीम है ज़्यादातर। तो ये देखिए 2016-17 से चल रही है PM किसान संपदा योजना, इसमें टोटल 8 स्कीम है, जो पुरानी स्कीमें चल रही थी वो भी इसमें मर्ज कर दी गई हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली स्कीम है मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क, देखिए नाम से लग रहा है मेगा, बड़े बड़े फूड पार्क जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर गवर्नमेंट मेगा फूड पार्क डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रही है। अभी इस समय देखिए गवर्नमेंट ने 41 मेगा फूड पार्क अप्रूव किए हुए हैं जिसमें से 22 अभी ऑपरेशनल है। तो मेगा फूड पार्क में गवर्नमेंट क्या करती है, कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इसी तरह प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 25-30 फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर को कि आप प्लग एंड प्ले मॉडल में आइए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाइए। तो पर्पज वही है मेगा फूड पार्क का, इसका पर्पज है फार्मर, प्रोसेसर और रिटेलर को टुगेदर एक साथ लेके आना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए कोल्ड चेन, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का मतलब है कोल्ड स्टोरेज हो गया और इसी तरह रेफ्रिजरेटेड वैन हो गई, तो ये है फॉर मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए ये स्कीम चल रही है। इसमें भी वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल सब्सिडी स्कीम मिलेगी। क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, यानी एक्सपेंशन करना है फूड प्रोसेसिंग का, जिससे क्या होगा, वेस्टेज में रिडक्शन होगा, वैल्यू एडिशन होगा। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर होते हैं तो गवर्नमेंट क्या क्लस्टर अप्रोच देती है। क्लस्टर में क्या होता है कि 5-6 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है गवर्नमेंट, एक क्लस्टर बनाती है, वहां पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्कीम लेके आई है। क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, तो देखिए जो पेरिसेबल एग्री और हॉटरी प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या है, वेस्टेज ज़्यादा होती है, तो उसके लिए
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर फार्म गेट पर बनाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हब एंड रिटेल आउटलेट फ्रंट एंड पर बनाएगी, जिससे कि पेरिसेबल प्रोडक्ट है वो इजिली कस्टमर तक पहुंच जाए, कम से कम वेस्टेज हो। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्वालिटी कंट्रोल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इनको एस्टेब्लिश करने के लिए इंसेंटिव देगी, सब्सिडी देगी। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, तो देखिए जो इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, प्रमोशनल एक्टिविटी कराती है, पब्लिसिटी कराती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या डोमेस्टिक ट्रेड फेयर कराती है, तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और इसके बाद आठवीं स्कीम है पीएम किसान संपदा योजना में ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन है ये टॉप क्रॉप के लिए आई थी, टॉप का मतलब टमाटो, अनियन एंड पोटैटो। तो इसमें गवर्नमेंट की देखिए दो स्ट्रेटजी है, एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो ये है कि इंटीग्रेटेड वैल्यू चैन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनके लिए कैपिटल सब्सिडी देगी। और दूसरी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर, कि जैसे ही क्या है प्राइस इनकी गिरती है तो फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 50% सब्सिडी देती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, कि जहां पर प्रोडक्शन ज़्यादा है और जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये ऑपरेशन ग्रीन तीन क्रॉप के लिए था, बाद में इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, टॉप से इन्होंने टोटल कर दिया, फिर इन्होंने इसको 41 नोटिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप जो पेरिसेबल नेचर की है उसके लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट क्या है, किसान रेल में 50% सब्सिडी देती है, कृषि उड़ान में नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिमालयन स्टेट है इनको 50% एयर फ्रेट सब्सिडी देती है। तो पर्पज वही है, फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचाना है। तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो थी वो 11 नोटिफाइड क्रॉप के लिए उन्होंने एक्सटेंड की, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बाद में उन्होंने 22 पेरिसेबल नेचर की क्रॉप के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दी। तो ये टॉप से टोटल हो गया ऑपरेशन ग्रीन। इसके बाद पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम पीएमएफएनई। तो देखिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो, तो देखिए जनरली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब 25 लाख यूनिट है, 74% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, 66% यूनिट है वो रूरल एरिया में लोकेटेड है, जिसमें से 80% जो है वो फैमिली ओन्ड करती है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनिट है ये ज़्यादातर माइक्रो में आती है। अब माइक्रो में आती है तो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है, इनको देखिए एक्सेस नहीं हो पाता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाते, इनको लोन नहीं मिल पाते, इनको मार्केटिंग ब्रांडिंग की नॉलेज नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं होती, तो ये बहुत सारे इनके चैलेंजेज हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो देखिए पीएम फॉर्मलाइजेशन स्कीम में गवर्नमेंट क्या करेगी, करीब 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट देगी, उनको कॉम्पिटिटिव बनाएगी। फाइनेंशियल सपोर्ट में वही है कैपिटल सब्सिडी देगी, तो इनको क्या करेगी फॉर्मल बनाएगी, पीएम फॉर्मलाइजेशन फॉर्मल सेक्टर में लेके आएगी, इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन सब में हेल्प करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, इनको कॉम्पिटिटिव बनाएगी। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को अडॉप्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है उनको ये गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड, ये देखिए अभी इन्होंने लॉन्च किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें देखिए इसका पर्पज क्या है, इंडिया को ग्लोबल चैंपियन बनाना है। देखिए जितने भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है बहुत सारे सेक्टर में चल रही है, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो फूड प्रोडक्ट में इंडिया को चैंपियन बनाना है, इस स्कीम का पर्पज ये है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करोगे, फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे, और जो आपकी इंक्रीमेंटल सेल है उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको इंसेंटिव देगी। तो ये स्कीम जो है 2021-22 से 26-27 के लिए है, और टोटल आउटले इसका 10,900 करोड़ रुपये। तो दूसरा इसमें अगर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो एक तो ग्लोबल चैंपियन बनाना है, इसके अलावा इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना है, कि अगर आप ब्रांडिंग मार्केटिंग पे एक्सपेंडिचर करोगे तो वहां पर भी गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आए हैं,
तो देखिए फ्रेंड्स, तीन क्लास में हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। एक बार आप बेसिक पढ़ोगे, बेसिक पढ़ने के बाद ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप इनको करोगे तो आप इनको इजीली कर पाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमने पीपीटी इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट iaselfashree.com है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपको देखिए, आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ मिल जाएगा। आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।